मित्रों, हम लोग हर सप्ताह कैबिनेट की बैठक करते हैं, लेकिन पिछली बार हमने तय किया था कि 6 महीने में एक बार दिन भर के लिए बैठें और कई गंभीर विषयों पर चर्चा करें। 5 जनवरी को हमारी ऐसी बैठक पहले हुई थी कोलार में, 6 महीने हो गए थे, इसलिए 5 जनवरी के बाद जून में अब ये दूसरी बैठक हम कर रहे हैं। इस बैठक में कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करने के बाद की परिस्थितियों पर हम लोग विचार करेंगे। दुनिया के कई देशों में फिर से कोरोना बढ़ रहा है, तीसरी लहर को रोकना है, उसको नियंत्रित करना है, उसका रोड मैप बनाना है, उस पर हम लोग विचार करेंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का हमारा रोड मैप, जिस पर हम तेजी से काम कर रहे थे, पिछले 2.5 महीने में कोरोना के कारण वो काम रुक सा गया था, अब फिर से उसको गति देने पर विचार करेंगे। कोरोना के संकट के कारण हमारा रेवेन्यू घटा है, राजस्व नहीं आया 2-2.5 महीने, इसलिए धन की व्यवस्था कैसे की जाए, अतिरिक्त स्रोत क्या हो सकते हैं ताकि विकास के काम प्रभावित ना हो और जन कल्याण की योजनाएं चलती रहे और बनती रहे, इस पर भी हम विचार करेंगे। स्वास्थ्य की सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, विशेषकर शिक्षा की भी व्यवस्था, बच्चे कई दिनों से स्कूल नहीं गए, कॉलेज बंद है, क्या और कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तरीके हो सकते हैं जिससे शिक्षण का काम जारी रह सके, उस पर हम विचार करेंगे। फिर हमारे प्राथमिकता के विषयों को तेजी से हम कैसे आगे बढ़ाएं, उसके साथ साथ किसान, माताएं बहनें, गरीब और युवा बच्चे, उनके कल्याण की योजनाओं पर भी चर्चा करेंगे, कुछ मुक्त चिंतन भी करेंगे कि इन परिस्थितियों में प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के लिए और कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, तो थोड़ा मुक्त चिंतन भी होगा, इसलिए यहाँ आए हैं।